यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोगों को ये चीज बतानी है कि किसी भी लोडेड ट्रे को आपने किस तरह से कैरी करना है। हैवी है लोडेड ट्रे, उसको आप किस तरह से जो है वो कैरी करोगे। याद रखिएगा, पहली बात तो ये कि अगर ट्रे हैवी है, लोडेड है, जिसको आपने उठाना है, ये इस तरह से नहीं लेके जाना, ठीक है? इस तरह से आपने उस ट्रे को नहीं उठाना और ना ही लेके जाना है। आपने क्या करना है, ये भी नहीं है कि आप इधर से ही उसको खींचे और ये इस अंदाज में जो है उसको लोडेड ट्रे को, अभी तो ये एक ट्रे मेरे पास छोटा है और इतना लोडेड नहीं है, इतना लोडेड नहीं है और ये ट्रे भी जो है मेरे पास छोटा है। इससे बड़े भी ट्रे होते हैं और वो मुख्तलिफ प्लेटर प्लेटिंग और उस पर काफी सारा जो है वो मटेरियल होता है, उसको आपने किस तरह से जो है वो लिफ्ट करना है, कैरी करना है और जो है वो जाके सर्व करना है। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका ये है कि आपने अपनी नीज को, नीज किसको बोलते हैं, ये घुटनों को, कि आप अपनी नीज को ये बेंड करोगे, क्या करोगे, बेंड, नीज को बेंड करोगे, कमर को स्ट्रेट रखोगे, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर बेंड ना हो, कमर स्ट्रेट हो। व्हाई आर यू लाफिंग, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल जेंट्स, ठीक है? ये नीज को आपने बेंड किया, नीज को बेंड किया, कमर को स्ट्रेट किया, ये आपने एक हाथ से ये क्लियर, फिर स्ट्रेट आपने जो खड़े भी होना है तो ऐसे यू स्ट्रेट, ठीक है? अब अगर लोडेड ट्रे है, ज्यादा है आपका, ऐसे लगता है कि एक हाथ पे बैलेंस जो है एडजस्ट नहीं होगा, आप लोडेड ट्रे नहीं, आपकी राइट हैंड से आप उसको जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं, क्लियर? अब वो आपको पता है कि आप जो है वो कितना जो है उसको जो है वेट को उठा के जो है ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर उसको नहीं हैंडल कर पा रहे तो फिर राइट हैंड का आप जो है यूं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोडेड ट्रे उठाने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप अपने नीज को बेंड करो, कमर को स्ट्रेट रखो और फिर उसको जो है आपने पुल करना है अपने इन फिंगर टिप्स पे और फिर इसको जो है वो स्ट्रेट जो है आप जो है वो लेके जाइए, क्लियर? याद रहेगा, गुड। दो क्या साइज पता है? सेवनटीन और 27 अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्लेट्स की तरफ, ठीक है? प्लेट्स की तरफ, प्लेट को आपने किस तरह से हैंडल करना, याद रखिएगा कि जब भी आप किसी प्लेट को उठाते हैं तो आपकी ये फोर फिंगर्स बैक साइड पे होनी चाहिए, फोर फिंगर्स बैक साइड पे होनी चाहिए और ये जो थंब है ये यूं लगे ना, ये यूं, ये शायद मैं सही तरह से आपको जो है वो समझा ना पा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये फोर फिंगर्स, जब भी आप किसी प्लेट को कैरी करो ये फोर फिंगर्स आपकी जो है ये बैक साइड पे हो और ये थंब यूं लगे ना इसके ऊपर, अगर ये थंब लग गया तो कोई निशान लग सकता है, ठीक है? कि आपने जो है इस प्लेट को इस तरह से उठाना और उसको आपने किस तरह से ये इसको बोलते हैं डिनर प्लेट, क्या बोलते हैं, डिनर एक अच्छे खाने को बोला जाता है, एक अच्छे त्वाम को बोला जाता है। तीन तरह की डिनर प्लेट्स यूज हो रही हैं, 10 इंच की, 11 इंच की, 12 इंच की। अभी अगर मैं देखूं वर्ल्ड वाइड तो 11 इंच की डिनर प्लेट्स यूज हो रही है, याद रखिएगा तीन तरह की इंच वाइज डिनर प्लेट्स यूज होती हैं, 10 इंच की, 11 इंच की, 12 इंच की। जिस सोसाइटी में हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे 10 इंच की, 10 इंच की, ठीक है, उसका डायमीटर 10 इंच का, लेकिन वर्ल्ड वाइज जो एवरेज अगर मैं देखूँ तो 11 इंच की डिनर प्लेट जो है वो यूज होती है, ठीक है? अब ये इसको हम प्लेट वेयर बोलते हैं, इनका जो मटेरियल है और ये जितने भी यहाँ पे देखें ये है, ये चाइना वेयर भी बोलते हैं हम इसको, क्या, चाइना वेयर, कि ये इनका मटेरियल जो है वो चीनी का है, चीनी का जो है, इसलिए हम चाइना वेयर भी बोल रहे हैं। प्लेट वेयर मैंने लव इसलिए यूज किया कि यहाँ पे ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लेट्स हैं, दिखाइएगा प्लीज, कि यहाँ पे देखें, ये फोकस कीजिएगा, दिखाइएगा कि ये डिफरेंट जो है यहाँ पे ये प्लेटर हैं, प्लेट्स हैं मुख्तलिफ साइज की और इन तमाम को एक ही, अगर मैं समटाइम कहूँ कि हैदर के साइड स्टेशन में प्लेट वेयर कंप्लीट है, अगर इसने कहा कि प्लेट वेयर कंप्लीट है तो मतलब कि डिनर
प्लेट्स कंप्लीट है, प्लेटर भी कंप्लीट है, बाकी प्लेट्स भी कंप्लीट है, समझ रहे हैं? तो इन तमाम प्लेट्स के लिए हम एक नाम यूज कर रहे होते हैं, प्लेट वेयर, प्लेट वेयर, ठीक है। अब ये है डिनर, और उसके बाद ये जो दूसरी प्लेट आपको दिखा रहा हूं, हम इसको सैलेड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? सैलेड के लिए भी हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये सेवन, कहीं पे 7 इंच, कहीं पे 7.5 इंच, और कहीं पे 8 इंच की ये प्लेट जो है वो यूज हो रही होती है। क्लियर? इनको हम सैलेड्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, और इसको हम साइड प्लेट भी बोलते हैं, साइड प्लेट भी बोलते हैं। और कहीं पे हम कह रहे थे बी एंड बी, क्या बी एंड बी, ब्रेड एंड बटर प्लेट, ब्रेड एंड बटर प्लेट। साइड प्लेट क्यों बोलते हैं कि हम एक सेटअप लगाते हैं, उसमें हम ये गेस्ट की साइड पे मतलब कि ये प्लेट्स रखते हैं कि उसको हम साइड प्लेट भी हम कह रहे होते हैं, और बी एंड बी ब्रेड एंड बटर प्लेट भी बोल रहे होते हैं। क्लियर? 7.5 और कहीं पे 8 इंच की ये प्लेट्स यूज भी होती हैं। और उसके अलावा एक और प्लेट है जिसको नाम दिया जाता है क्वार्टर प्लेट, चौथाई, मतलब कि ये सबसे छोटी है तो इसको चौथाई से भी कहा गया है कि ये एक क्वार्टर प्लेट है। और मुख्तलिफ जो है डिजर्ट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको डिजर्ट प्लेट में भी, डिजर्ट प्लेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे ये 4.5 और कहीं पे ये 5 इंच की प्लेट्स भी यूज होती है। क्लियर? अब इसी तरह से ये एक और प्लेट है, ये हमारे पास समटाइम ग्रेवी आइटम्स होते हैं, ग्रेवी आइटम्स, ग्रेवी आइटम्स के जिस के साथ थोड़ा शोरबा जो है वो बनाया होता है। कौन सा ऐसा सैलेड है जिसके साथ शोरबा? और इसमें जो है वो ग्रेवी भी जो आ सके, तो इसको डीप रिम प्लेट के तौर पर भी जो है इस्तेमाल करें। अब जो हम जो है यूज कर रहे होते हैं, समटाइम्स बारबेक्यूज में रखना है, समटाइम्स हमने सैलेड रखना है, समटाइम्स हमने राइस लेकर आने है, कुछ भी किसी भी मकसद के लिए प्लेट ऐसे हो सकते हैं। क्लियर? अब बताएगा कौन मुझे? प्लेट को हैंडल कैसे करने, किस तरह से उठा दिखाओ ना सबको, फोर फिंगर्स बैक साइड पे नजर आनी चाहिए। हाँ, उठा ताकि लगे ना, ताकि निशान ना लगे। नेक्स्ट मूव करो, फोर फिंगर्स नहीं, इकट्ठे बिल्कुल 7 फिंगर्स रखी हुई है, वो प्लेट गिर सकती है। हाँ शाबाश, ये देखें, हाँ ऐसे, गुड गुड गुड, ये और बेस्ट है उसकी परफेक्शन के लिए। गुड, दिखाओ ना फिंगर्स, बिल्कुल 7 फिंगर्स नहीं है, बिल्कुल मैंने कहा 7 फिंगर्स रखने ही नहीं है, ये दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखो, उनको दिखाओ, ये देखिए फिंगर्स में थोड़ा थोड़ा गैप हुआ है, उससे आपकी ग्रिप अच्छी होती है। हाँ ऐसे बिल्कुल, हाँ ग्रिप अच्छी होती है प्लेट को होल्ड करने की। यूँ बिल्कुल साथ रख दोगे तो वो सेपरेट जो है उसकी ग्रिप अच्छी होगी, वो उधर नहीं जानी चाहिए फिंगर। मोड़ना नहीं है ना हमने इसमें। ओके नेक्स्ट, अब ये प्लेट उठाए, प्लेट उठा के देखे ना कैरी कर, ठीक है लड़के, दम नहीं, ठीक है, हाँ लेकिन आपने गलत कर दिया, ऐसे नहीं, हाँ इधर इधर, ये जो जगह है ना इसमें ये देखिए ये आ जाएगी, ठीक है, इसमें जो है ये आ जाएगी। अब ये देखें, ये देखिए कितना फर्क है, इसके दरमियान में तो गैप हो ही ना ना, ये अंगूठा हमने इधर नहीं लगाना है। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, हम किसी को सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी बेबी, प्लीज टेक इट, नो नो भाई, चलें, थैंक यू सो मच।
यहाँ तक आप सबको क्लियर? यस। ये भी डिनर प्लेट है और ये उसकी साइड प्लेट है, ठीक है? ये भी ब्लैक में डिनर प्लेट और साइड प्लेट है। अच्छा ये एक और बोल गया, ये सूप प्लेट है। क्या है? सूप प्लेट बोलते हैं। सूप की प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त गार्निशिंग करके आप इसको सूप की जो है किसी को जो है ला के दे, बड़ा जबरदस्त लगता है, ठीक है? इसको हैट ना समझिएगा, इट्स नॉट अ हैट, कि आप जो है थोड़ा कि मैं अंदर सर पे रख के देख लूँ। तो ये सूप प्लेट है और इसमें सूप की बड़ी जबरदस्त गार्निशिंग करते हैं। गार्निश होता क्या है, क्यों ये लफ्ज यूज किया जाता है गार्निश? खूबसूरत बनाने के लिए हम मुख्तलिफ जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स और इनकी जो है वो कटिंग करके उस फूड को जो है वो गार्निश करके दे रहे होते हैं, बड़ा जबरदस्त जो है लगे, ठीक है? अट्रैक्ट कर रहा होता है बड़ा जबरदस्त, उसकी विजुअल अपील जो है वो बहुत अच्छी जो है वो लगनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जितनी चीजें यहाँ पे रखी हुई है इसको बोला जाता है सिल्वर वेयर। सिल्वर वेयर के ऑल दोज आइटम विच इज मेड बाय सिल्वर, विच इज मेड बाय सिल्वर, हम इसको सिल्वर वेयर भी बोलते हैं। और ये हमारे ईटिंग यूटेंसिल्स भी हैं, स्पून नाइफ फोर्क ईटिंग यूटेंसिल्स भी हैं। क्लियर? बोलोगे तो नहीं। अब यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है कि ये सूप स्पून है। ये आपने जो है ये सूप जो है वो लिया, आपने जो क्या किया ये उसका लिक्विड इसके साथ लगाया और आपने इंजॉय किया, ठीक है? ये सूप स्पून भी जो है ये सूप कप और सूप सॉसर है, तो ये हम इसके साथ रखते हैं। उसके अलावा ये क्या है कि ये टी स्पून, ये टी कप और टी सॉसर है, तो ये हम जो है ये इसके साथ रख देते हैं। उसके बाद जो है ये है डिजर्ट स्पून, ठीक है? सब कुछ डिजर्ट्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ये डिजर्ट्स प्लेट पे जो है इसको रख दो। और इसको बोला जाता है टेबल स्पून भी, कहीं पे बोलते हैं क्या टेबल स्पून भी, डिनर स्पून भी बोलते हैं। आप इसको राइस स्पून कह रहे हो, हैदर कहता है कि हम इसको राइस स्पून भी बोलते हैं, ठीक है? कहीं पे टेबल स्पून भी बोलते हैं, कहीं पे डिनर स्पून भी बोलते हैं। अब ये तब हम देंगे जब हमने राइस खाने हो, ये सेटअप में हम तब लगाएंगे जब हमने राइस खाने हो, तो इसलिए हैदर ने बड़ा जबरदस्त नाम रख दिया आज राइस स्पून के। ये राइस स्पून, क्लियर? राइस स्पून जो है वो ला के दें। और उसके अलावा ये जो दो नाइफ देख रहे हैं और एक ब्लैक और एक ब्राउन, ठीक है? और ये क्या है, इनको बोलते हैं स्टीक नाइफ, स्टीक नाइफ, ठीक है? अब वो स्टीक हॉट सीजलर में स्टीक आई हुई होती है, इनकी जो ग्रिप है कटिंग की वो बड़ी जबरदस्त होती है, इसके पीसेस बड़े जबरदस्त काटे जाते हैं। तो ये स्पेशल जो है स्टीक आइटम्स के लिए जो है ये नाइफ बनाई गई है। जब हमने किसी को स्टीक सर्व करनी होगी तो हम इस नाइफ का इंतखाब करेंगे, क्लियर? और दूसरा आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपने सिल्वरवेयर को हैंडल कैसे करना है, कि बिल फर्ज आप ये कोई चीज यहाँ पे रखने लगे हो, किसी को सर्व करने लगे हो, ना ही आपने इस जगह से हाथ लगाना है, ठीक है? और ना ही आपने ये जो कटिंग सरफेस है या ये स्पून है तो इसका ये ईटिंग सरफेस है, इधर हाथ भी नहीं लगाना, इस जगह से होल्ड करना है, ठीक है? सेटअप लगाने लगे, सेटअप में रखने लगे तो आपने इधर से होल्ड करना है, ठीक है? किसी को सर्व करने लगे तो आप जो है वो इधर से पकड़ेंगे ताकि वो इससे जो है ले लें। सेटअप में रखोगे यहाँ पे, इधर हाथ आपने नहीं लगाना और ना ही आपने यहाँ पे, ये गेस्ट के लिए जो है वो फॉर ईटिंग पर्पस, और यहाँ से गेस्ट ने जो है वो होल्ड करना होता है। समटाइम गेस्ट मायूस समझ ले और हमारे फिंगर्स के निशान यहाँ पे लग जाए, क्लियर? और ये जो है वो डिनर नाइफ, ब्रेड एंड बटर नाइफ, ब्रेड एंड बटर नाइफ। और ये डिजर्ट्स के लिए, डिजर्ट्स के लिए हम इसको जो है वो डिजर्ट फॉक यूज किया जाता है। और ये डिफरेंट सैलेड्स के डिफरेंट जो है फॉक्स देखें, हमारे पास यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो सैलेड का ये फॉक यूज हो रहा है। उसके अलावा ये है, इसको हम बोलते हैं डिनर फॉक, ठीक है? डिनर फॉक इसको बोला जाता है। जब भी किसी को प्रेस करो, रखो, देखो, चेक करो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन है, फ्रेश है, कोई खाने के दरात तो नहीं फंसे हुए, पॉलिश हुआ हुआ है, सैनिटाइज हुआ हुआ है, फिर आप उसको जो है वो प्रेजेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पिज्जा स्लाइसर या पिज्जा लिफ्टर, ठीक है? जब पिज्जे की सर्विंग की जाती है तो ये पिज्जा स्लाइसर या पिज्जा लिफ्टर दिया साथ दिया जाता है। और ये जो सामने रखा हुआ है आप लोगों के, ये आरिफ लोहार का चिमटा नहीं है, क्या है, टोंग, सर्विंग टोंग है, ठीक है? ये भी हमारा जो है अक्सर जो है हमारे सर्विस में जो है हम इसको यूज कर रहे होते हैं, बजाते भी रहे और गेस्ट को एंटरटेन भी करते रहे और आप उनको सर्व भी कर, ये ना के बजा बजा के गेस्ट के जो है वो खाने बजा, ठीक है? भूलोगे तो नहीं, सर्विंग टोंग। और ये इसको स्पैचुला भी बोल रहे हैं, स्पैचुला, ठीक है? क्या स्पैचुला, किस लिए यूज होता है स्पैचुला? सर्विंग होता है
राइस वगैरह की जो है वो प्लेट से जो है आपने सर्व किया, तो उसके लिए भी हम ये स्पैचुला यूज करते हैं। ओके, सिल्वरवेयर कंप्लीट। यस सर। कभी आप किसी गिलास को उठाने लगो तो कभी भी किसी गिलास को आपने यहाँ से नहीं पकड़ना, अगर किसी को सर्व करने लगे हो, किसी टेबल पे लगाने लगे हो, अब इस जगह से गिलास को नहीं पकड़ना। भाई क्यों नहीं पकड़ना? यहाँ पे हमारे फिंगर, हाँ, कि उसके निशान लग जाएंगे, और गिलास पे जब निशान लगे हो तो वो गेस्ट के लिए बड़ा मायूब होता है। पहले गिलास किसी को सर्व करना है, देना है, तो आप उसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करें, वॉश करें, वाइप करें, सैनिटाइज करें, स्मेल करें, साफ सुथरा है, फिर आप वो गिलास लेके जाएं उनको। ये है हम इसकी बेस, ठीक है, ये है इसकी स्टैम, ये है इसकी बेस, कि यहाँ से जो है वो आप गिलास लेकर जाओगे, ये इधर से नहीं पकड़ोगे गिलास, ठीक है। पहली बात तो हमारे पास बेवरेज ट्रे हो, बेवरेज ट्रे के ऊपर जो है वो गिलास रखा हो, और जब भी आप लेके जाएं, प्लीज गिव ये, जब भी आप किसी टेबल पे या जब भी कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, बेवरेज ट्रे के लिए इस्तेमाल किया करें, और ये गिलास को आप ऐसे नहीं उठाओगे। आप क्या करोगे, गिलास को आपने ये इस बेस से या स्टेम से जो है वो आपने गिलास को उठाया, और आपने गेस्ट की राइट साइड, शाबाश, गेस्ट की राइट साइड पे आपने गेस्ट को जो है ये प्रेजेंट करना है, आपने उसको जो है वो सर्व करना है। All type of beverage are served on the right side of the guest. Guest की जो right side हो उस पे आपने guest को जो सर्व करने, चाहे पानी सर्व कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हो, ठीक है, टी सर्व कर रहे हो, जूस सर्व कर रहे हो, एवरी टाइप ऑफ बेवरेजेज आर सर्व ऑन द राइट साइड ऑफ द गेस्ट। उम्मीद है कि आज की एक्टिविटी से आप जो है बहुत कुछ आपको इस्तेफादा हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर जो है वो मूव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये दुआओं में याद रखिएगा, और इनको सीखें और इम्प्लीमेंट करें और मेमोराइज करें। अल्लाह हाफिज़।